तो दोस्तों आप सबका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म चौरास्ता द फोर वी। ये 2013 की तेलुगु रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है डायरेक्टेड बाय युवराज। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इस फिल्म की जो कहानी है वो उतनी भी ज़्यादा दमदार नहीं है, उतनी भी ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी ये फिल्म आपका इंटरेस्ट बनाए रखेगी, आपको फिल्म इंटरेस्टिंग लगेगी, आपको ये फिल्म कहीं ना कहीं मज़ेदार ही लगेगी। तो आखिर उसकी क्या वजह है? तो अगर आपका इस फिल्म में इंटरेस्ट बना रहता है, आपको फिल्म मज़ेदार लगती है, तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक साथ चलती रहती हैं। जैसे कुछ कॉलेज स्टूडेंट हैं जो कि जंगल में रिसर्च करने गए हैं, इसके अलावा एक लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है वही जंगल में, और इसके अलावा कुछ बहुत ही अजीब तरीके की घटनाएँ उस जंगल में हो रही हैं। तो इसी तरीके की बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें, साथ में कुछ कॉमेडी के फनी सीन्स भी आपको बीच बीच में देखने को मिलते रहेंगे। तो इसी वजह से आपका इंटरेस्ट बना रहता है, आपको कहीं पर भी बोरिंग फील बिल्कुल नहीं होगा फिल्म को देखते समय। हालांकि इस फिल्म की कहानी में उतना कुछ खास दम तो नहीं है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो आपका इंटरेस्ट बनाए रखेगी, आपको फिल्म में मज़ा आएगा। यहाँ पर इस फिल्म में अगर कुछ खास है बढ़िया है तो वो है फिल्म का सेकेंड हाफ, जहाँ पर जंगल में जो भी सारी गड़बड़ियाँ हो रही थी, आखिर वो किसके वजह से हो रही थी, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या था, क्या उनको ये बात पता चलती है, वो किस तरीके से इन सारी मुसीबतों से बाहर निकलते हैं, जिस मुसीबतों में वो फंसे हुए हैं, तो ये हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा थोड़ा सा हल्का फुल्का रोमांस भी आपको इस फिल्म में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको यही कुछ देखने को मिलता है जिस वजह से आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। फिल्म का फर्स्ट हाफ इतना ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्टिंग, उतना कुछ ज़्यादा मज़ेदार है नहीं, लेकिन यहाँ पर फिल्म का जो सेकेंड हाफ है वो थोड़ा सा अच्छा है, बढ़िया है, आपको मज़ेदार लगेगी। जिन लोगों को सस्पेंस थ्रिलर या फिर कुछ साइको वाली फिल्में देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, तब तो उस फिल्म का सेकेंड हाफ आपको ज़रूर पसंद आएगा। हालांकि ये फिल्म मुझे उतनी ज़्यादा कुछ खास लगी नहीं, उतनी ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग मुझे ये फिल्म नहीं लगी, ठीक ठाक सी फिल्म लगी। मतलब अगर आप चाहो तो एक बार देख सकते हो, लेकिन इतना भी कुछ ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना कि भाई हमको ऐसा वैसा कुछ खास देखने को मिलेगा, तो ऐसा ये फिल्म है नहीं। तो दोस्तों जहाँ तक बात रही कि आपको ये फिल्म देखनी भी चाहिए या नहीं, तो जी नहीं, ये इतनी ज़्यादा कुछ दमदार कुछ खास फिल्म नहीं है। अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए एक फिल्म देखना चाहते हो जिसकी लेंथ कम हो और आपको ज़्यादा दिमाग भी खटाना ना पड़े, आपको ज़्यादा टेंशन भी ना हो कि भाई इतनी लंबी फिल्म जल्दी खत्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो ये फिल्म आप देख सकते हो। ये फिल्म आपको निराश तो नहीं करेगी, लेकिन आपको इतनी भी ज़्यादा कुछ खास नहीं लगेगी। तो आप चाहो तो अपनी मर्जी से इस फिल्म को एक बार देख सकते हो। तो दोस्तों जहाँ तक बात रही इस फिल्म को रेटिंग देने की, तो मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 3.9 out of 10 stars। बाकी अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो क्या सोचते हैं आप इस फिल्म के बारे में, मुझे आप कमेंट में जरूर बताएगा। और हाँ, कि ये फिल्म YouTube पर फ्री में अवेलेबल है, तो अगर आप चाहें तो इस फिल्म को देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल है सुझाव तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में फिर किसी ऐसी मूवी के रिव्यू के साथ में। जोहार।